Hello, welcome to Legal Awareness web series. Legal Awareness में अपने viewers को law of bail समझाने के लिए हमने बहुत से videos बनाए जो आप हमारी playlist में देख सकते हैं। अब latest bail order Justice Subramaniam Prasad Delhi High Court के हैं, जिन्होंने 3 September को 21 पेज का बेल ऑर्डर दिया है जो दिल्ली के दंगों के बारे में है, जहां एक पुलिस ऑफिसर रतन लाल की डेथ हुई। इतनी चोटें उन्हें लगी कि वो बाद में उन चोटों से उनकी डेथ हो गई। बड़ी दर्दनाक बात है कि किसी पुलिस ऑफिसर की अपनी ड्यूटीज को निभाते हुए मॉब वॉयलेंस में इस तरीके से जान जाए। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज किसी भी वॉयलेंस के विरुद्ध है और मॉब वॉयलेंस को स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स में कंडम करती है। आपको मालूम है कि दिल्ली के दंगों में 750 केसेस हैं, लेकिन इतनी अहमियत हमने दी है इन दंगों को और उनको इन्वेस्टिगेट कर मुजरिमों को सजा देने की, चाहे प्रोपेगेंडा कुछ भी हो, कि 750 केसेस में 2 साल होने को आ गए, सिर्फ 35 चार्जशीट्स फाइल हुई। मैं समझता हूं कि ये उन 55 लोगों के साथ नाइंसाफी है जिनकी जानें चली गईं, जिनके घर जला दिए गए, जिनके रिलीजियस प्लेसेस में आग लगा दी गई और उन्हें डिस्ट्रॉय किया गया और डैमेज किया। बड़ा इंटरेस्टिंग बेल ऑर्डर है। जो एक्यूज्ड है उसकी आइडेंटिटी का मसला है कि क्या वो मौके वारदात पर मौजूद था या नहीं। मैंने बार बार कहा है कि लॉ को समझने का बेस्ट तरीका है स्टोरी टेलिंग, जो लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज ने 450 वीडियोस में फॉलो किया। जो लीगल क्वेश्चन इस बेल ऑर्डर में सेंट्रल क्वेश्चन की तरह उठाया है लर्नेड जज ने, वो ये है कि जब चार्ज अनलॉफुल असेंबली का हो इंडियन पीनल कोड की, जिसमें आपको मालूम है कि अगर 5 लोग या उनसे ज्यादा लोग मौजूद हैं किसी असेंबली में जो अनलॉफुल असेंबली है, तो वहां सबकी लायबिलिटी होती है अगर उनका कॉमन ऑब्जेक्ट क्रिमिनल लॉ की क्लास में सेक्शन 34 ऑफ इंडियन पीनल कोड जो कॉमन इंटेंशन से डील करता है और 149 जो कॉमन ऑब्जेक्ट से डील करता है, उसकी रिलेशनशिप पर टीचर्स अच्छा खासा समय व्यतीत करते हैं लोगों को समझाने के लिए। एक भीड़ है अवेलेबल, उस भीड़ ने पुलिस पर अटैक किया है, सीसीटीवी डैमेज किए, क्या उस भीड़ के हर व्यक्ति पर बेल के समय एक सी लायबिलिटी होगी या वो लायबिलिटी डिफर करेगी? ये वो प्रश्न है जो दिल्ली हाई कोर्ट ने इस 21 पेज के बेल ऑर्डर में डिस्कस किया है। मैंने हर वो बात जो बेल ऑर्डर के बारे में कही है बार बार आज फिर कहूंगा, बेहतर है कि बेल का ऑर्डर ब्रीफ हो, बेहतर है कि बेल के केस में मेरिट्स पर कमेंट्स ना किए जाएं, और बेहतर है कि बेल के मामले में लिबरल हों। जहां पे मर्डर भी हो जाए तो बेल डिस्क्रिशन है जज का, जज उस डिस्क्रिशन को कैसे एक्सरसाइज करता है इस पर लॉ सुप्रीम कोर्ट सेटल कर चुकी है। इस बेल ऑर्डर में भी उसे कोट किया गया है, आपसे उसके सिलसिले में बात हो। जो पेटिशनर गया है उसकी बेल नीचे की अदालतों ने रिजेक्ट की, उसका सेंट्रल आर्गुमेंट यह है कि जो भी वीडियोस आपके पास अवेलेबल हैं, और इस केस में 3 वीडियोस अवेलेबल थे,
उनसे मेरी प्रेजेंस सीन ऑफ क्राइम जो है मौके वारदात उस पर कंक्लूसिवली साबित नहीं होती। मेरी प्रेजेंस वहां दिखाने के लिए सिर्फ मेरे कॉल रिकॉर्ड पर पुलिस ने रिलाई किया है, और कॉल रिकॉर्ड जो है वो यकीनन किसी की मौजूदगी का बहुत अच्छा सबूत माना नहीं जा सकता। तो जब आइडेंटिटी साबित नहीं हुई तो फिर 161 के तहत जो स्टेटमेंट पुलिस को दिया गया वो भी बहुत वीक एविडेंस हो गई। जिस तरह के कपड़े पेटिशनर ने कहा पहने हुए थे ऐसे और लोगों ने भी पहने हुए थे, व्हाइट शर्ट थी, तो फिर उससे ये साबित नहीं होता कि ये एक्यूज्ड ही वहां पर मौजूद था। मैं ये समझता हूं कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्डर बेल के लॉ को समझने के लिए है जहां पर मॉब वॉयलेंस हुई हो। अब जरा सा इस बात को समझिए कि एक्यूज को अरेस्ट किया जा रहा है 2 नवंबर 2020 को, एफआईआर नंबर 136 है 2020 की, पुलिस स्टेशन जो है वो दयालपुर है, सेक्शन 147, 148, 149, 436, 427 और कॉन्स्पिरेसी 120B और सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन लगाया जा रहा है। जैसे और केसेस में रेगुलर बेल हुई ऐसे ही रेगुलर बेल इस केस में भी 23 जनवरी 2021 को मिल गए एडिशनल सेशन जज से, लेकिन उसके बाद मामला बढ़ा दिया गया, चार्जेस मर्डर के भी आ गए। तो जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से और स्टेट की तरफ से आर्गुमेंट्स हुए वो आर्गुमेंट्स कुछ इस तरह से थे कि तीन वीडियो हैं, विशाल चौधरी का वीडियो है, एक स्काई राइट का वीडियो है, एक यमुना विहार से वीडियो शूट किया गया है, और वो लाइट शेड करते हैं जो पुलिस की थ्योरी है कि ये पूरा मामला जो हुआ ये एक सोची समझी साजिश, व्हाइट शर्ट है, ब्लैक लोअर है, और ये इनको आइडेंटिफाई किया है पुलिस कॉन्स्टेबल्स ने, और ये इस मिनट पर यहां थे और इस मिनट पर यहां थे और इस मिनट पर यहां थे, ये पुलिस की मेन थ्योरी। अब फिर ये भी कहा गया कि साहब वो जो शर्ट का लोगो है वो क्योंकि ये तेजी से मूव कर रहे थे इसलिए वो विजिबल नहीं है, लेकिन AMPED सॉफ्टवेयर से जो डिजिटल रिकॉग्निशन है उससे रिकॉग्निशन सही सही इंडिविजुअल का हो जाता है। अभी मैंने और उत्कर्ष ने एक आर्टिकल हिंदू में लिखा है एक दो हफ्ते पहले, जिसमें हमने बताया है कि ये फेस रिकॉग्निशन की टेक्नोलॉजी कितनी डेंजरस है और कितनी बड़ी ये लोगों की प्राइवेसी पर एक प्रश्न चिन्ह लगाती। स्टेट की तरफ से, प्रोसिक्यूशन की तरफ से आर्गू किया गया कि साहब 144 लगी हुई थी और 12:30 से 1 बजे तक वहां पर लोगों के पास डंडे थे, लाठियां थी, बास्केटबॉल बैट थे, आयरन रॉड थी, स्टोन्स थे, ये वजीराबाद रोड की बात हो रही। पुलिस ने कहा भीड़ से कि आप चले जाएं, भीड़ ने बात नहीं मानी और 50 पुलिस कर्मी जो वहां मौजूद थे उनको चोटें आई और रतनलाल की बाद में अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई। ये भी आर्गू किया गया ASG की तरफ से कि एब्सेंस ऑफ वीडियो का मतलब ये नहीं है कि एक्यूज और अभियुक्त जो है वो मौके वारदात पर मौजूद नहीं। ये भी कहा कि 302 का मामला जहां आ जाए वहां पर जमानत आसानी से नहीं हो सकती है। और ये भी कहा कि इनकी आइडेंटिटी कांस्टेबल ज्ञान और हेड कांस्टेबल सुनील से ने कंफर्म की। स्काई राइट का जो वीडियो है 0.20 सेकेंड का, उसमें ये देखा जा सकता है कि ये वहां पर मौजूद हैं, लेकिन माना यह गया कोर्ट की तरफ से कि वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है क्योंकि सिमिलर कपड़े पहने हुए हैं और कई लोग उसी तरह के कपड़े पहने हुए।
जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, जज ने कहा कि ये देखना होगा जब 149 का चार्ज है, क्या जमानत देते वक्त भी उस भीड़ के हर व्यक्ति को बेल डिनाई की जाएगी। और इसके लिए लंडन जज ने कहा कि इस सिलसिले में लॉ बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट क्लियरली ले डाउन कर चुकी है, कुलदीप यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का 2011 का जजमेंट कोर्ट किया। आपको मालूम है कि हाई कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स बाउंड है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स। पैरा 39 है कुलदीप यादव केस का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद का ये इंटेंशन लेजिस्लेचर का नहीं है 149 बनाने में, कि हर व्यक्ति जो अनलॉफुल असेंबली का मेंबर है उसको हर जुर्म के लिए सजा दी जाए। इसका मतलब यह है कि ये कॉमन ऑब्जेक्ट का मामला तो है, लेकिन एक डिस्टिंक्शन किया जाए। मैं समझता हूं कि भारत सरकार ने, अमित शाह जी ने जो क्रिमिनल लॉ रिव्यू कमेटी बनाई है, मैंने इस पे आर्टिकल भी लिखा था उनके इस एक्शन को वेलकम करते हुए, कि वाकई में अगर हमें क्रिमिनल लॉ को रिव्यू करना तो 149 को भी मैंने आइडेंटिफाई किया था कि इस लॉ में चेंज होना चाहिए और मेयर प्रेजेंस पर किसी की क्रिमिनल लायबिलिटी तय नहीं होनी चाहिए। और मैंने क्यों कहा था, वो ये जजमेंट था कुलदीप यादव का 2011 का, जिसमें खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये लेजिस्लेचर का इंटेंशन नहीं है 149 को बनाने में, कि हर आदमी जो वहां मौजूद था उसको बराबर की सजा दी जाए। कोर्ट ने कहा 149 को अट्रैक्ट करने के लिए जरूरी है कि इंक्रीमेटिंग एक्ट जो है उसको अकम्प्लिश किया गया हो कॉमन ऑब्जेक्ट के से। तो कॉमन ऑब्जेक्ट अगर सारे मेंबर्स ने शेयर किया है तब लायबिलिटी होगी। ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर मेंबर्स ऑफ द असेंबली न्यू और वर ऑफ likelihood of a particular offense being committed in prosecution of the common object, then they would be liable. यहां ये बात बिल्कुल साफ थी कि अभियुक्त प्रोटेस्ट कर रहे थे CAA के लिए। कोर्ट ने कहा CAA का प्रोटेस्ट अपने आप में कोई क्राइम नहीं है। आपको मालूम है कि राइट टू प्रोटेस्ट तो आर्टिकल 19 का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट का दूसरा जजमेंट कोर्ट किया गया, श्रेय एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1991 का, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब एक भीड़ के ऊपर चार्ज लगे तो क्लोज स्क्रूटनी होगी गवाहों की। अगर किसी ने सिर्फ ये कह दिया ये भी वहां मौजूद थे, ये अपने आप में सफिशिएंट नहीं होगा, बल्कि ये देखा जाएगा कि जो सबसे पहली FIR हुई थी उसमें क्या कहा गया। ये नहीं कि बाद में चार्जेस ऐड कर दिए जाएं आफ्टर थॉट की तरह। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये अनसेफ है सेक्शन 149 को लगाकर हर एक की कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी क्रिएट करना। इस केस में भी 9 एक्यूज थे, यहां पे भी लेथल वेपन्स का इस्तेमाल हुआ था। यहां पे भी ये मामला कहा गया कि ये कह देना कि साहब मुस्लिम्स एज अ बॉडी जो थे वो सीन ऑफ अकरेंस की तरफ गए, इसका मतलब ये नहीं है कि उन सब के सब की बराबर की लायबिलिटी होगी। बल्कि कोर्ट ने कहा बट व्हेन देयर इज अ जनरल एलिगेशन अगेंस्ट अ लार्ज नंबर ऑफ पर्संस द कोर्ट्स नेचुरली हेसिटेट टू कन्विक्ट ऑल ऑफ देम ऑन सच वेग इविडेंस। यहां पे भी जो मामला जज ने उठाया है वो यही है कि इविडेंस वेग है। जिस वीडियो में नजर भी आ रहा है वो बैक नजर आ रही, क्लियरली ये नजर नहीं आ रहा कि वो अटैक कर रहा। एक वीडियो में ये कहा गया कि वो कैमरे की तरफ घूर रहा है। कोर्ट ने कहा कैमरे की तरफ घूरने से ये साबित नहीं होता कि उसने पुलिस पर अटैक किया या सीसीटीवी कैमरास को डैमेज किया। यह भी कोर्ट ने नोट किया कि किस समय से किस समय तक जो सिक्योरिटी कैमरास पुलिस ने इंस्टॉल किए थे वो काम नहीं कर रहे थे। और यह भी कोर्ट ने कहा इस मामले में कि जहां क्राउड इन्वॉल्व है
भीड़ इन्वॉल्व है, वहां कोर्ट को संकोच करना चाहिए लायबिलिटी देने के लिए, और एक ऐसा जुमला लिख दिया है। मैं समझता हूं कि जस्टिस प्रसाद ने एक जूरिस्प्रूडेंशियल स्टेटमेंट इस जगह लिख दिया जब उन्होंने कहा कि कोई अम्ब्रेला एजेंशन ऑफ गिल्ट नहीं हो सकती। फना जगह पे ये वारदात हुई, हजार लोग वहां मौजूद थे, वो हजार के हजार उस वारदात के लिए कंस्ट्रक्टिवली लायबल हैं। इस तरीके की एक अम्ब्रेला एजेंशन ऑफ गिल्ट को उन्होंने कहा नहीं हो सकता। कोर्ट ने कहा लॉ सेटल्ड है, मर्डर के मामलात में भी जज को डिस्क्रिशन है, जब जज बेल देता है तो देखता है कि क्या एक्यूज जो है, ये प्रसन्नता कुमार का जजमेंट है 2010 का, क्या एक्यूज प्राइमा फेसाई इन्वॉल्व है उस मामले में या रीजनेबल ग्राउंड है इस बात को यकीन करने के लिए, बिलीव करने के लिए कि एक्यूज ने ही क्राइम किया है, ग्रेविटी क्या है चार्ज की, सीवियरिटी ऑफ पनिशमेंट क्या है, कितना डेंजर है कि ये मुल्जिम भाग जाएगा, और क्या लाइकलीहुड है कि जब ये भाग जाएगा तो ये इस क्राइम को दोबारा करेगा, क्या रीजनेबल एप्रीहेंशन है कि ये गवाहों को डराएगा और धमकाएगा। कोर्ट ने नोट किया कि जेल में है ये एक्यूज 17 महीने से, कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल आर्टिकल 21 का लिबर्टी है, कोर्ट को लिबर्टी और डिनायल ऑफ बेल में बैलेंस करना पड़ता है। फिर ये कहा कि जो वीडियोस अवेलेबल हैं उनसे ये साबित नहीं होता क्लियरली कि ये व्यक्ति जो है ये इन्वॉल्व थे इस मामले में। कोर्ट ने नोट किया कि वो गली नंबर 3 का लोकल रेजिडेंट है, अगर नजर भी आ रहा है कि वो जा रहा है मौके वारदात की तरफ, उसकी बैक नजर आ रही है, और इस मामले में असली फैसला तो ट्रायल के समय होगा। कोर्ट ने यह नहीं कहा कि इन्होंने ये जुर्म नहीं किया, वो फैसला तो एविडेंस जब एग्जामिन की जाएगी, जब क्रॉस एग्जामिनेशन होगा तो ट्रायल जज करेगा। बिल्कुल साफ तौर से जज ने होल्ड किया कि कोई एविडेंस कॉरोबरेटिंग सामने नहीं आई जिससे पता चले कि उसने पुलिस के ऊपर अटैक किया या सीसीटीवी कैमराज डैमेज किए। एक वीडियो में यह नजर आ रहा है कि वो एक डंडे को छुपा रहा है। कोर्ट ने कहा ये अपने आप में ये साबित नहीं करता कि पुलिस पर अटैक किया गया, ये सारे मसले ट्रायल के वक्त देखे जाएं। मैं समझता हूं कि एक बड़ा बोल्ड बेल का ऑर्डर आया है। मैंने बार बार कहा है सिविलाइज्ड लीगल सिस्टम्स में बेल रूल है और जेल एक्सेप्शन है, यही भारत की सुप्रीम कोर्ट बार बार कहती रही है, लेकिन अक्सर ऐसे बेल ऑर्डर्स पास हुए हैं जिनको पढ़कर अफसोस होता है। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, और बेल के लॉ को समझने के लिए हमारे और वीडियोस जो लॉ ऑफ बेल पर हैं और कंट्रोवर्शियल बेल ऑर्डर्स पर हैं उनको भी जरूर देखें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।